जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता अपने चैनल नीता विक्रम में आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के ईश गुरुदेव भगवान माता पिता सबको कोटि कोटि प्रणाम है। और दोस्तों, प्रतिदिन की तरह मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में कोई रोग शोक कष्ट न रहे, सभी तरह के आपके जीवन की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, आज का विशेष टॉपिक है कर्ज मुक्ति के उपाय। साथ ही साथ जिन लोगों के जीवन में परेशानी चल रही है, किसी भी तरह का भटकाव है, उन्हें मानसिक अशांति रहती है, उनके लिए भी मैं आज उपाय बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है संतान जन्म लेती है पर संतान की आयु नहीं होती। तो यदि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है तो उसको भी किस तरह से पाया जाए, उसका उपाय आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए, निःशुल्क है। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको भैरव से जुड़े हुए उपाय बता रही हूं। भैरव जी कौन है, माता रानी के मंदिर में इनका क्या स्थान होता है? दोस्तों, भैरव भगवान भगवान शिव का ही एक रूप होते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, काल भैरव, बटुक भैरव, अष्ट भैरव, शमशान भैरव। तो दोस्तों, भैरव की पूजा करने से आपके जीवन के कई सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस तरह माता रानी हमेशा हम सब पे अपनी कृपा बना के रखती हैं, उसी तरह भगवान शिव भी हमारे जीवन की नैया पार लगाने के लिए अलग अलग रूपों में हम पे अपनी कृपा बना के रखते हैं। जिन लोगों के कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, उन लोगों को बुधवार के दिन इस उपाय को करना चाहिए। दोस्तों, बुधवार के दिन यदि आप सामर्थ्यवान ठीक ठाक हैं तो आप 1.25 किलो जलेबी लाके उसे भगवान भैरव के मंदिर में भोग लगाएं। न संभव हो तो वैसे ही गरीबों में जरूर बांट दें। भगवान आप पे जरूर अपनी कृपा करके आपके सभी कर्जों को मुक्त कर देंगे। दोस्तों, उपाय बहुत ही आसान सा है। यदि आप 1.25 किलो नहीं भी ला पाते हैं जलेबी, तो आप उससे कम भी ला सकते हैं, जितना भी आपसे बन पाए। बस आपको जलेबी बांटनी है बुधवार के दिन, बुधवार यानी वेडनेसडे के दिन। इससे जिन लोगों पर कर्ज चढ़ता चला जा रहा है, उन्हें कर्जे से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप पे जो भी कर्ज है, आपको जो रकम है वो लौटानी है, तो आप बुधवार के दिन उस रकम को लौटा सकते हैं। बुधवार के दिन कर्जा भी नहीं लेना चाहिए। तो जिन लोगों पर कर्ज है वो इन खास बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, भैरव जी भैरव की साधना करने से कई तरह के कष्ट दूर होते हैं। अगर आपके जीवन में अचानक एक के बाद एक संकट चलते आ रहे हैं तो आप अपने इन संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। काली माँ के मंदिर में जहाँ भैरव हो वहां जाएं, पूजा पाठ करें। शनिवार के दिन आप वहां पर नारियल, पानी वाला नारियल चढ़ा के आ जाएं और ओम भैरवाय नमः का जप करें। ऐसा करने से जीवन में यदि बार बार संकट आ रहे हैं, शनि केतु इनकी परेशानियां हो रही हैं, तो इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। इसी तरह से दोस्तों, कई बार लोग बाग मानसिक रूप से बहुत बेचैन रहते हैं, एंजाइटी रहती है उन्हें, जीवन में समझ नहीं आता कि कैसे अपने आप को शांत करें, कैसे अच्छा फील करें। यहाँ तक कि कई लोगों के मन में मरने तक के विचार आने लगते हैं। तो यदि आप भी किसी भी तरह की मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, आपको उठे बैठे दिन भर चैन नहीं रहता, अलग अलग तरह के विचार आपके मन में आते रहते हैं, गुस्सा क्रोध इस तरह की भावनाएं रहती है, यहाँ तक कि आप चैन से सुकून से 2 घड़ी सो भी नहीं पाते, रात में आपको नींद नहीं आती, तो आपको भैरव मंदिर, जहां पे भी भैरव हो, उस मंदिर के पुजारी से जाके एक पानी वाला नारियल चढ़ा हुआ ले लेना है। आपको वो नारियल लाकर अपने सिरहाने रखना है। रात के समय अगर आप इस तरह से सोते हैं, भैरव के मंदिर का नारियल अपने सिरहाने रखकर, तो आपके जीवन के जो भी मानसिक परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो दूर होते चले जाएंगे। दोस्तों, भैरव पूजा का बहुत ही खास महत्व है। सात्विक पूजा अगर आप करते हैं तो वो सबसे अच्छी पूजा होती है। तो किसी भी तरह से शराब या फिर मांस इत्यादि इस तरह की जो भैरव पूजा है, उसमें कभी भी आपको संलग्न नहीं होना चाहिए। तंत्र हमेशा आपको अच्छे से जोड़ता है। तंत्र वो है जो तम को दूर करे, तम यानी अंधकार,
और ये सभी चीजें, शराब हो, पशु बलि हो, इन्हें सभी को तामसिक कहा गया है। तो भगवान को हम ये चीजें इसलिए हम अर्पित कर चुके हैं, यानी ऐसा कहा जाता है कि हम इन्हें ग्रहण नहीं करें। अगर इसी तरह है तो भगवान भोलेनाथ ने तो कंठ में जहर को धारण करा हुआ है, विष को धारण करा हुआ है। आप सबको विष भी लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जो चीजें हम भगवान के लिए छोड़ देते हैं उन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए। हर तरह की तामसिक चीज से दूर रहना चाहिए, फिर चाहे वो शराब हो या फिर पशु बलि। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में संतान सुख आता है पर फिर उनकी संतान की आयु नहीं होती। तो ऐसे लोगों को एक उपाय करना चाहिए। शनिवार के दिन एक काला कपड़ा ले लें। काले कपड़े में नारियल, सरसों का तेल, सिंदूर, चंदन, और आप वहां पर इन सभी चीजों को, काली मिर्च के दाने, इन्हें सभी चीजों को आप एक कपड़े में बांधें। फिर से मैं बता देती हूँ, नारियल, पानी वाला नारियल, सरसों का तेल, काली मिर्च, सिंदूर, चंदन, इन सभी को काले कपड़े में बांधकर आपको भैरव मंदिर में सैटरडे के दिन दे आना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो आपको संतान सुख अवश्य दें। जिन लोगों को संतान नहीं है वो चाहे तो भैरव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम ह्रीम बटुकाए आप द्रोणाए कुरु कुरु बटुकाए ह्रीम हाम। फिर से एक बार और सुन लीजिए, ओम ह्रीम बटुकाए आप द्रोणाए कुरु कुरु बटुकाए ह्रीम हाम। इस तरह से मंत्र का जाप करना है। दोस्तों जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं वो हर एक चीज की पूजा करते हैं। भैरव की जितनी भी आप तस्वीर या फोटो देखेंगे भैरव भगवान की, उसमें आपको कुत्ते दिखाई देंगे। कुत्तों की सेवा करने से शनि के, केतु के दोष दूर होते हैं। जब भी आप कुत्ते को धुतकारते हैं आपके ऊपर शनि, केतु, राहु इस तरह के ग्रह और हावी होने लगते हैं। तो यदि आप सेवा नहीं भी कर सकते तो कभी भी कुत्तों को पत्थर मत मारिए, उनका अपमान मत करिए, उन्हें अलग तरह से, जैसे कई बार बच्चे परेशान करते हैं, वो बिल्कुल मत करिए। हो सके तो कुत्ते को भोजन दें। बहुत ज्यादा मीठा या बहुत नमकीन भोजन कभी भी नहीं देना चाहिए। कोई उपाय भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा नाम मात्र का चीनी आप कुत्ते की रोटी में डालें और उसे खिलाएं। इस तरह से दोस्तों उपाय करने से, पशुओं की सेवा करने से आपके जीवन के जो भय हैं, कष्ट हैं और जिस भी तरह के आपके जीवन में नेगेटिविटी है वो सभी दूर होती है। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज्यादा लोग परेशान करते हैं, लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपका बुरा भला चाहते हैं, इन लोगों को अपने जीवन से दूर करने के लिए आप प्रतिदिन भैरव का मंत्र जाप कर सकते हैं। पर दोस्तों उस केस में आपकी गलती नहीं होना चाहिए, आपको लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। जो भी उपाय है आप वो तभी करें जब आप उन लोगों से बहुत परेशान हो गए, लोग आप पे आके हावी हो रहे हैं। और ऐसे में ये जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ ये केवल उन लोगों को शांत कर देगा, आपके प्रति जो उनके मन में नेगेटिविटी है उसको दूर कर देगा, वो आप पे हावी होना बंद कर देंगे। तो दोस्तों हम मंत्र जान लेते हैं। ओम नमो भगवते बटुक भैरवाय देवी पुत्राय सर्व दुष्ट जन मुख स्तंभन कुरु कुरु ओम राम ह्रीम हूम ठ ठ ठ हूं फट स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र का प्रतिदिन आप जाप करिए और भगवान भैरव के रूप का ध्यान करते हुए सोचिए वो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो जाएं, आपको परेशान ना करें। हम यहाँ पे किसी का भला बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचिए। दूसरों को उनके किए का परिणाम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको इन बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस मंत्र का जाप करने से उनके मन में जो भी आपके लिए बुरी भावनाएं हैं, लोग अगर आपको आके परेशान करते हैं तो वो दूर हो जाएंगे। पर दोस्तों इस केस में आपको कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना है। फिर से एक बार और मंत्र मैं आपको बोल देती हूँ। ओम नमो भगवते बटुक भैरवाय देवी पुत्राय सर्व दुष्ट जन मुख स्तंभन कुरु कुरु ओम राम ह्रीम हूम ठ ठ ठ हूँ फट स्वाहा। दोस्तों इन दोनों ही मंत्र जो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताए हैं,
इन सभी मंत्रों को कौन सी परेशानी में कौन सा मंत्र आपको उपयोग में लाना है, इस पूरी डिटेल के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का और कमेंट सेक्शन में देने का जरूर ट्राई करूंगी। आप सभी की जिंदगी की हर बुरी परेशानी, हर तकलीफ दूर हो जाए, आपको आपके कर्जे से मुक्ति मिले, जीवन में कोई भी समस्या ना रहे, ऐसी कामना करती हूँ दोस्तों। इसी के साथ जो भी मेरे और वीडियोज हैं आप वो जरूर देखिए। यदि आपके घर में बिटिया रानी की शादी हो रही है तो उसकी विदाई के समय ऐसा क्या करें जिससे कि उसके जीवन में सुख, वैवाहिक सुख हमेशा बना रहे। बहुत सारे टॉपिक्स पे दोस्तों मैं वीडियो बना चुकी हूँ, शुक्र ग्रह को मजबूत करना और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, धन संबंधित भी टॉपिक हैं, तो अगर आप चाहें तो चैनल पे जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अगली बार फिर मैं आपसे मिलूंगी, आपकी नीता। दोस्तों इसी तरह खुश रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।